जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए क्या अनाउंसमेंट है, क्या ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, सारी जानकारी हम आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत दोस्तों हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो देखिए पहली जो न्यूज निकल के आ रही है लैपटॉप वितरण की, देखिए तारीख जो है घोषित हो चुकी है। सेकंड दोस्तों जो आपने देखा ही होगा, आवास योजना में आवेदन शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों थर्ड जो सबसे बड़ी स्कीम है आपके लिए, बड़ी योजना है आपके लिए, वो है दोस्तों आधार कार्ड पर, सिर्फ दोस्तों आधार कार्ड पर आपको यहाँ 10 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। कैसे आप प्राप्त करोगे, कहाँ पर आवेदन करने की जरूरत पड़ेगी और कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, सारी जानकारी दोस्तों हम इसी वीडियो में आपको कंप्लीट देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो का एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, लाइफ चेंजिंग वीडियो है। यहाँ से दोस्तों आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ये पैसे लेके। और दोस्तों इंटरेस्ट फ्री है, इनमें कोई आपके लिए ब्याज भी नहीं है, और ये सिर्फ आप 2 मिनट में कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हो, कैसे पैसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों सीधे अपने खाते में। और आवास योजना के तहत दोस्तों ये जो आवास योजना, जो गरीब लोगों को दोस्तों आवास दिए जा रहे हैं, इसके तहत सीधे 3 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। कैसे आप प्राप्त करोगे, लैपटॉप वितरण में अभी तक आवेदन नहीं किया तो कैसे करोगे, तारीख भी यहाँ घोषित हो चुकी है जब दोस्तों लैपटॉप बांटे जाएंगे। तो चलिए सारी जानकारी यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आवास योजना की। तो देखिए जो लोग यहाँ पे दोस्तों पिछले प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में आवास योजना में वंचित रह गए थे, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे 11 करोड़ आवास बांटे थे, लेकिन दोस्तों जब पब्लिक से रिव्यू लिया गया, फीडबैक लिया गया, तो काफ़ी लोग जो आवास योजना में दोस्तों वंचित रह गए थे। तो वही योजना फिर से रिन्यू की गई है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आई है। अब चेंजिंग क्या है कि देखिए यहाँ पे सीधे आपके खाते में जो भी आवास योजना में आवेदन करेंगे उनके खाते में दोस्तों यदि वो एलिजिबल पाए गए तो यहाँ पर देखिए सीधे 3 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो आप आवेदन कैसे करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, सारी जानकारी हम दोस्तों अभी आपको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपके पास देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के बाद आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, और वोटर कार्ड के यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो उसकी जगह देखिए ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है। पासपोर्ट तो आपके पास शायद होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद दोस्तों आपके पास में देखिए पैन कार्ड होना चाहिए, जो आपके सरकारी बैंक के खाते से दोस्तों अटैच होना चाहिए। यहाँ पर सरकारी बैंक का ही खाता चलेगा, प्राइवेट बैंक का खाता यहाँ पे नहीं चलेगा। दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद यदि आप किसी गांव में रहते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से लिखवा लीजिए कि इनके पास आवास नहीं है, और वह फोटो आपको स्कैन करा लेना है। देखिए वो पेपर जो भी आप है आपने लिखवाया ग्राम प्रधान से वो स्कैन करा लेना है, उस पर दोस्तों एक अपना फ़ोटो भी लगा लेना है साथ में। यदि आप किसी शहर में रहते हैं तो अपनी कॉलोनी के प्रधान से, जो भी कॉलोनी का प्रधान हो उनसे लिखवाइए, या किसी जाने माने और वैल्यूएबल आदमी से आप लिखवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाइए। वहाँ CSC सेंटर पर पहुंचकर दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वहाँ पर आवेदन करना आप स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आपसे CSC सेंटर वाला या कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है आवेदन करने के लिए तो यहाँ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और दोस्तों बहुत जल्द आपके खाते में यहाँ पे 3 लाख रुपए सीधे आ जाएंगे यदि आप दोस्तों सभी पूरी एलिजिबिलिटी कम्प्लीट करते हो तो। तो इसी तरह से आपको आवेदन करना है CSC सेंटर पर जाकर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लोग अपने CSC सेंटर पर जाके आवेदन नहीं कर सकते हैं या आपके पास CSC सेंटर नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर दें, ये आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से ज़िले के रहने वाले हैं, कौन से राज्य के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू, झारखंड, उड़ीसा, दोस्तों पश्चिम बंगाल, बिहार, जहाँ के भी, आप दिल्ली से ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम देना है, सिर्फ और कुछ नहीं। दोस्तों हम यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट बनाकर आगे प्रोवाइड कर देंगे, और जैसे ही आपका नाम वहाँ से आएगा तो हम आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे दोस्तों पूछ सकते हो, पूरी कंप्लीट एक एक कमेंट देख के दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर देंगे या कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे। देन दोस्तों अब बात करेंगे, देखिए आधार कार्ड पर दोस्तों आप 10 लाख रुपए कैसे ले सकते हो, ठीक है, और वो भी मात्र यहाँ 2 मिनट में। दोस्तों कैसे आप आवेदन करोगे ये भी जानकारी हम आपको कंप्लीट देंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आधार कार्ड पर 10 लाख रुपए लेने के लिए, और कैसे आप प्राप्त करोगे जल्द से जल्द।
तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, उसके बाद आपको आवेदन कैसे करना है पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको सीधे सीधे यहाँ पे 2 लाख दो मिनट में दोस्तों 10 लाख रुपए मिल जाए। देखिए काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि बैंक वाले लोन सेंसर नहीं कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, तो आज यहाँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कंप्लीट, आपको एक एक स्टेप यहाँ पे देख लेना है। चलिए बात करेंगे तो कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात, तो दोस्तों यहाँ पर ये आधार कार्ड पर आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो देखिए आपका यहाँ पे आधार कार्ड ही हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं जो आपको चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, यदि आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड भी चलेगा, यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो दोस्तों उस कंपनी का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके पास कोई सरकारी बैंक में खाता ही होगा, क्योंकि ये पैसे सीधे आपके खाते में आएंगे, प्राइवेट बैंक का खाता दोस्तों यहाँ भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों जो भी आपका सरकारी बैंक का खाता है वह आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से अटैच होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड दोस्तों आपके मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप करवा सकते हो किसी भी CSE सेंटर पे जाके। अब देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको दोस्तों जो भी इन 10 लाख रुपए से जो भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों, वह बिजनेस आप एक प्रारूप बनाइए, एक फाइल बनाइए, यदि आप नहीं बना सकते तो आप किसी वकील से बनवा सकते हो। जैसे आपको कोई प्लांट लगाना है, आइस प्लांट लगाना है, या किसी और चीज़ का प्लांट लगाना है, जो भी दोस्तों आपको अपना बिजनेस करना है उसका एक प्रारूप तैयार कीजिए, और जो भी मशीनरीज कहाँ पे आप उसको सिचुएटेड करोगे, कहाँ पे दोस्तों मशीनरी लगाओगे, क्या लोकेशंस होगी, ये पूरी उस फाइल में लिखा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपए से अधिक आय उसमें नहीं होनी चाहिए, 3 लाख रुपए सालाना, ठीक है, तो उससे अधिक होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी योजना का लाभ लेने में। उसके बाद देखिए ये पूरी दोस्तों एक फाइल क्रिएट करके आपको जाना है अपने किसी नज़दीकी बैंक में, ठीक है, वहाँ बैंक में जाके आप अपने बैंक मैनेजर से बात करिए कि प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना चलाई जा रही है दोस्तों, उसमें देखिए यहाँ पे 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक का लोन लेने का प्रावधान है, जिस पर दोस्तों कोई ब्याज नहीं होगा, और यह सभी दोस्तों प्रधानमंत्री जो प्रचंड बहुमत से दोस्तों उन्होंने जीत दर्ज की है उसी की दोस्तों खुशी में ये अच्छी अच्छी योजनाएँ जो चलाई जा रही हैं। काफ़ी दोस्तों यहाँ पे 417 के समथिंग योजनाएँ इन्होंने लॉन्च की हैं, जो 1x1 आपको यहाँ पे सारी जानकारी हम यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों ये पूरी फाइल तैयार करने के बाद देखिए आपको जाना अपने नज़दीकी बैंक में, और वहाँ को पूरा प्रोसेस जो आपको अपने नज़दीकी बैंक में है उन मैनेजर को समझा देना। यदि देखिए जैसा कि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि वो लोन सेंसन नहीं कर रहे हैं, आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि उनको लोन आपको देना ही पड़ेगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं कि हम लोन नहीं कर सकते, हमारे पास योजना नहीं है, तो आप बहुत सिंपल है उनसे कहिए कि आप हमें किसी भी पेपर पर लिख के दे दीजिए कि आप लोन नहीं कर सकते हमारे लिए, और उस पर अपने सिग्नेचर और मोहर लगा दीजिए। बस इतना छोटा सा काम आपको वहाँ पर करा लेना है, मैं दोस्तों 100% गारंटी ले रहा हूँ वो आपको लिख के नहीं देंगे और उनको आपका लोन सेंक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे दोस्तों आपको थोड़े रेस्पेक्टेबल बिहेव करना है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, इससे आप ही प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो वहाँ पे दोस्तों उनको अच्छे से समझा देना है, वो आपको 10 लाख रुपए का लोन देंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप वहाँ से लोन नहीं मिल पा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आपको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक कितने रुपए का लोन चाहिए हमें बताइए, अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम यानी स्टेट का नाम दोस्तों ज़रूर दीजिए, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू, झारखंड, आपके दोस्तों 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के बाद में योजना जो है लागू कर दी है। तो आपने यदि अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे दोस्तों योजनाओं का फ़ायदा उठाइए, और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर दीजिए जिससे कि हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा सकें और आपको यहाँ योजनाओं का लाभ दिलवा सकें सबसे पहले। दोस्तों यहाँ से काफ़ी लोग, लाखों लोग दोस्तों हमारे इस चैनल के थ्रू यहाँ से फ़ायदा ले चुके हैं, और ये सभी आवेदन करना, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम देना दोस्तों, और देखिए अपने ज़िले, अपने राज्य का नाम देना बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये सभी काम दोस्तों यहाँ जनहित में किए जा रहे हैं, फ्री में किए जा रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे एक काम और दोस्तों विशेष रूप से आपको करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है जिससे कि आपकी हमें परमिशन मिल जाए और हम दोस्तों आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। देखिए लाइक करने का मतलब ये होता है कि आप योजनाओं से सहमत हैं और आपको यहाँ पे योजनाओं का लाभ लेने की इच्छा है और आप यहाँ पे अपनी सहमति दिखा रहे हैं, इसलिए आपने लाइक किया है। यदि आप लाइक करोगे तो हमें परमिशन मिल जाएगी और हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा देंगे। दोस्तों इन योजनाओं में से आवास योजना, आधार कार्ड पर 10 लाख रुपये मिल रहे हैं ये वाली योजना,
या देखिए वन फैमिली वन जॉब, एक परिवार में एक नौकरी योजना। दोस्तों किसी भी योजना में आपको लाभ चाहिए, आप कोई गर्ल्स हैं, आपको स्कूटी योजना में लाभ चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य का नाम और अपने जिले का नाम सिर्फ इतनी जानकारी दें, बाकी एक्स्ट्रा कुछ जरूरत है नहीं। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट योजना की। अब देखिए दोस्तों बात करेंगे लैपटॉप योजना की। देखिए लैपटॉप यहाँ पे दोस्तों लगा के आठवीं से स्टार्ट करके दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन तक, आठवीं दसवीं बारहवीं डिग्री डिप्लोमा यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो भी है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी अच्छे परसेंटेज से आपने जो है वह क्लास वह डिप्लोमा और डिग्री हासिल की है उतना ही दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा और आपको लैपटॉप वितरण में सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा। तो नीचे दोस्तों लैपटॉप वितरण की तारीख तो घोषित हो ही चुकी है, यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आपने कितने परसेंटेज से अपनी जो लास्ट क्लास जो भी आपने लास्ट में किया है वो वाली क्लास या वो वाली डिग्री कितने परसेंट हासिल की है वो हमें जरूर बताएं, अपना परसेंटेज लास्ट ईयर का और दोस्तों अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपने शहर का नाम हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम योजनाओं का लाभ आपको सबसे पहले दिलवा सकें। दोस्तों जो यहाँ पे इन योजनाओं को, इन बातों को अनदेखा करता है कभी दोस्तों उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता और यहाँ से हम लाखों लोगों को लाभ दिलवा चुके हैं। दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स चेक करिए, आपको सारा कुछ पता पड़ जाएगा और यह कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो इस पर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी आपके घर देने नहीं आएंगे योजनाओं को, यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो। दोस्तों ये फ्री के काम है, इतना आप कर सकते हो, ये जनहित में जा रही है, ये जनहित में किया जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो। चलिए बात करेंगे लैपटॉप वितरण की तारीख की। तो दोस्तों 1 जुलाई से आपके लैपटॉप वितरण जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया जरूर यहाँ पे नीचे आवेदन करते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आपको अभी तक किसी भी योजना में लाभ नहीं मिला है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों को अभी तक किसी भी योजना में लाभ नहीं मिला है दोस्तों उनको प्रेफरेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया जाएगा। यदि जो प्रधानमंत्री जी ने किसान कर्ज माफी वाली योजना चलाई है उसमें भी यदि अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य, अपने शहर का नाम जरूर हमें दें। यदि आपके शहर में, आपके राज्य में यह योजना नहीं पहुंची है तो भी हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम वहां पे इजाफा करा सकें, दोस्तों आपके यहां फायदा दिलवा सकें। तो जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके वीडियो के नीचे इंटरफेस है वहाँ पे एक रेड कलर का बटन होगा, उस बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों यही योजनाओं में बनने के लिए बेल आइकन आपको जरूर प्रेस करना है। और यदि आपने हमारे चैनल के थ्रू किसी भी योजना में दोस्तों यहाँ पे आवेदन किया है, अपना नाम दिया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने के बाद ही आपकी जानकारी को, आपकी लिस्ट को हम दोस्तों आपके नाम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी अनुमति के बिना दोस्तों हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ा सकते, हमको ये अधिकार नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।